अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ यस मैम। मुझे बच्चे आप बताएंगे, हमने लास्ट टाइम जो है वो कहाँ तक पढ़ा था आपकी इस वाली सेक्शन में? अच्छा, मैम मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। आप नहीं थी? हेरा बच्चे आप थी? मैम मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी। मैंने क्लास नहीं ली थी, उसमें आपने एक्सरे वाला पढ़ा रही थी और एक्सरे वाला टॉपिक है सारा। है तो एक्सरे वाला, लेकिन आई थिंक हमने इमेजेस से पहले पढ़ा हुआ है। चलिए मैं देख लेती हूँ। मैम लेक्चर नंबर 3 की हमने 46 स्लाइड्स पढ़ी थी तक पढ़ा था। चलिए बेटा मैं देखती हूँ। 46 कह रही हैं आप? ओके फाइन। यस मैम।
ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने बेसिकली पढ़ा था कि एक्सरे मशीन, मैंने आपको एक्सरेज का इंट्रोडक्शन कराया था कि एक्सरेज होती क्या है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इसको किसने जो था वो डिस्कवर किया था, ठीक है। देन फिर हमने एक्सरे मशीन के कंपोनेंट्स पढ़े थे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक्सरे मशीन के। एंड देन फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस किस तरह होती हैं, ठीक है जी। एंड उसके थ्री बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स थे, स्टेप्स थे। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने आपको यूजेस ऑफ एक्सरेज बताए थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक यूजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली वो यूजेस जो कि हम मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मेडिकल फील्ड में डायग्नोस्टिक यूजेस कौन कौन से हैं और थेरेप्यूटिक यूजेस कौन कौन से हैं। इसी तरह से फिर मैंने आपको बताया था कि आपको ये भी पता होना चाहिए, मतलब मेडिकल प्रोफेशन में तो आप हैं ही हैं, लेकिन एक्सरेज को हम मेडिकल प्रोफेशन से अलावा कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई इंडस्ट्रियल वर्क में इस्तेमाल करें और कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल हो रहा है इसका, ये मैंने आपको बताया था। एंड देन जो है वो फिर मैंने आपको बताया थे कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे कि जो आपने जब भी एक्सरे देखना होता है कि उन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसमें हमने रूल ऑफ टू पढ़ा था कि आपने हमेशा पेशेंट को दो व्यूज जो है वो रेफर करने होते हैं, हमेशा दो लिम्स को कंपेयर करना होता है, हमेशा आपने पेशेंट को जो है वो रिपीट करना होता है एक्सरे को, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जब आपके सामने एक्सरे आता है तो आपने उसमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी बोन्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आपने देखना है कि सबसे पहले कौन सी बोन इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर उस बोन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। देन फिर हमने पार्ट देख लिया, फिर पार्ट के बाद आपने देखना है कि उसका कौन सा किस टाइप का फ्रैक्चर है, ठीक है। वो जिस टाइप का फ्रैक्चर है तो उस किस टाइप की पेशेंट को इंजरी हुई होगी, ठीक है। उस इंजरी की टाइप आपने देखनी है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि फ्रैक्चर पुराना है या फ्रैक्चर न्यू है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओल्ड फ्रैक्चर में आपके पास हमेशा आपको कैल्शियम के डिपॉजिट जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। जो न्यू फ्रैक्चर होगा उसमें आपको क्लियर कट लाइन जो है वो नज़र आ रही होगी, उसमें कैल्शियम का डिपॉजिट अभी आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि पुराना फ्रैक्चर होता है, पेशेंट को नहीं पता होता, वो वेट बेयरिंग भी कर रहा होता है, लेकिन नेचुरल हीलिंग जो है वो हमारे पास शुरू हो गई होती है, ठीक है। तो ये मैंने बच्चों आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि जब आपने एक्सरे देखना है या पेशेंट को आपको एक्सरे रिकमेंड करना होता है तो आपने कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखना होता है, ठीक है। अब बच्चे, आप, मेरा ख्याल है कि आप पूरी क्लास में से बहुत कम स्टूडेंट्स शायद जो है वो पढ़ के आ रहे होते हैं, तो बच्चों देखो ये आपका ही नुकसान है। मैं आपको डे वन से कह रही हूँ कि सब बच्चे जो है वो क्लास में प्रेजेंट हुआ करें, टाइम पे आया करें, और एटलीस्ट आप लोग सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करके आया करें कि हमने जो है वो क्या पढ़ा है, ठीक है। इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवेज, आज हमारा जो है वो देखें फिफ्थ लेक्चर है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब तक यही नहीं आइडिया कि हम क्या पढ़ रहे होते हैं। बेटा, मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं अगर कहीं पे कोई बात समझ नहीं आती है, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ें ज़रूर, ठीक है, स्किप ना करें कोई भी लेक्चर, ओके। यहाँ से हम लोग, आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था कि एक्सरे व्यूज़ मैंने आपको बताए थे कि हम स्पेशली जो यूज़ कौन कौन से व्यूज़ जो है वो कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू, जिसको हम एपी व्यू भी कहते हैं, और इसको अलावा एक और व्यू होता है पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू, ठीक है। देन लैटरल व्यू हम यूज़ कर रहे होते हैं, ऑब्लिक व्यू यूज़ कर रहे होते हैं, और सम स्पेशल व्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। अब जो नॉर्मल के जो हमारे पास बेसिकली एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू है, जो लैटरल व्यू है, जो ओब्लिक व्यू है, ये कौन से व्यूज़ हैं? ये हमारे पास जो है वो सारे नॉर्मल व्यूज़ हैं, ठीक है जी। महनूर बच्चे, आपने हैंड रेज किया है, मैम ये स्पेशल यूज कर लिए थे हमने। स्पेशल व्यूज़ भी कर लिए हैं हमने, यस मैम, यस स्पेशल मैम, व्यूज़ तो किए थे मैम। 46 स्लाइड तक हमने पढ़ लिया था, 46 तक स्काई लिया, स्काईलाइन व्यू तक पढ़ा था। चले बेटा, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को खुद कंफ्यूजन है। मैं अपना खुद से लिख लिया करूँगी क्योंकि आप लोग को याद नहीं रहता। एनीवे, चले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चले, व्यूज़ हो गए थे हमारे, ठीक है। और मैंने आपको शायद, हाँ, हर व्यूज़ के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि बेटा स्नैरियो किस तरह से आ सकता है, ठीक है। कि मैं आपको स्नैरियो बना के दे सकती हूँ उसके फॉइड फ्रैक्चर का, और मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें कौन सा व्यू हम यूज़ करते हैं, उस व्यू की क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो आपने वो सारे जो व्यूज मैंने बताए हैं उनको आपने क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बना के माइंड में फिर इस तरह से आपने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा मैम, बच्चों, उसके बाद, थोड़ा सा रिवाइज करवा सकती हैं अभी सॉरी मैम, मीन्स को थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवाइज करा सकती हैं, वो थोड़ी समझ नहीं आई मैम, किसको, व्यूज को, जो इंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू। चलो बेटा मैं बता देती हूँ आपको।
देखिए बेटा वही बात है ना, अगर आप लोग लेक्चर पढ़ेंगे तो रिकॉर्डिंग में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता देती हूँ, देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू मैंने आपसे बताया था कि बेटा इसमें रिटलाइजेशन की बात नहीं है। एंटीरियर पोस्टीरियर का क्या मतलब है कि जो रेज है वो इंटीरियर से पोस्टीरियर जा रही होंगी, ठीक है। द बी एक्स रे बीम इज एक्सपोज फ्रॉम द इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी पार्ट, द बीम कास्ट अ शेडो ऑन द एक्स रे प्लेट दैट इज केप्ट बिहाइंड द बॉडी पार्ट, ठीक है। यानी कि जो एक्स रे डिटेक्टर होगा, जो एक्स रे प्लेट होगी जिसके ऊपर एक्सरे की फिल्म आनी है, वो कहाँ होगी, बॉडी के पोस्टीरियरली होगी और रेज जो है वो उसके फ्रंट साइड से पास करी होगी, ठीक है। जैसे कि ये पार्ट है ना, तो यहाँ से रेज पास करेंगी और एक्सरे प्लेट जो है वो उसके पीछे लगी हुई होगी, ओके। ये है आपके पास इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा लेटरल व्यू है उसमें क्या है, एक्सरे बीम इज एक्सपोज फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है जी। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पे कहाँ से जा रही है जी, ये नी है, ठीक है। तो ये उन्होंने फ्रंट से नहीं लिया हुआ, यहाँ से बीम नहीं आ रही, आपको उसका लैटरल इमेज जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरे बीम कहाँ से पास की होगी, इस साइड से पास की होगी, यहाँ पे पीछे प्लेट पड़ी हुई होगी एक्सरे की और बीम जो है वो लैटरली पास की हुई होगी, ठीक है। तो ये जो व्यूज हमने बेसिकली बनाया हुआ है ना कि लैटरल व्यू है, ओब्लिक व्यू है, ये व्यू का नाम रखा हुआ है कि बीम जो है वो बॉडी के किस पार्ट से पास कर रही है, इंटीरियरली पास कर रही है तो इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। लैटरली पास कर रही है तो वो क्या व्यू है, लैटरल व्यू है। देन ओब्लिक व्यू, ओब्लिक व्यू में क्या है, एक्सरे बीम इज एक्सपोज फ्रॉम अ प्लेन विच इज ओब्लिक टू द बॉडी पार्ट ऑन विच द एक्सरे बीम इज फोकस, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, ओब्लिकली पास करेगी, यानी कि अगर आप कहें कि अपनी बॉडी का जो डायगनल हिस्सा होता है ना, डायगनल जिसको हम कहते हैं एंगल, उस एंगल से जो एक्सरे बीम पास कर रही है किसी भी बॉडी पार्ट के, तो वो उसका ओब्लिक व्यू लेगी। और मैंने आपको बताया था कि ओब्लिक व्यू को यूजली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक लैटरल ओब्लिक व्यू लेते हैं और एक मीडियल ओब्लिक व्यू लेते हैं। ये आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है बच्चा। देखिए अब हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ा हमने, लैटरल व्यू पढ़ा और मीडियल व्यू को मैंने आपको बताया हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक है लैटरल और एक है मीडियल। अच्छा अब ये देखें, ये है आपके पास इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, ये जो नीचे प्लेट पड़ी हुई है ये हमारे पास एक्सरे डिटेक्टर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में क्या होगा कि बॉडी के ऊपर से एक्सरेज आएंगी और डिटेक्टर पोस्टीरियरली पड़ा हुआ होगा, ठीक है। दिस इज एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। देन लैटरल व्यू में क्या हो रहा है, डिटेक्टर अगेन पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है लेकिन रेज कहाँ से पास करी है, बॉडी के देखिए आर्म के लैटरल साइड से पास करी है, ठीक है जी। हमने पोजीशन आर्म की इस तरह बना दी कि लैटरल साइड से पास करें। फिर जो ओब्लिक व्यू है उसमें आप देखेंगे ना, ये ना ही ये इंटीरियर पार्ट है बॉडी का ना ही ये लैटरल है, बल्कि क्या है, डायगनल पार्ट है बॉडी का, ठीक है। यानी कि आपने पेशेंट को कह दिया प्रोनेशन और सपिनेशन, उन दोनों में आपने जो है वो क्या किया, पेशेंट का ओब्लिक व्यू ले लिया। और बेसिकली ये जो हमारे पास होते हैं स्मॉल जॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फीट के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और जो हैंड के जॉइंट्स होते हैं स्मॉल जॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने अगर ह्यूमरो रेडियल जॉइंट का देखना है या रेडियो अलर जॉइंट का जो है वो हमने डिस्कस करना है, या इसी तरह से रिस्ट जॉइंट का डिस्कस करना है हमने, उसको देखना है। तो क्योंकि ये स्मॉल जॉइंट होते हैं, स्मॉल जो बोन्स है वो मिलकर बना रही होती हैं, तो इसमें अगर हम एपी या लैटरल व्यू में जो है वो इतना ज़्यादा आपको क्लियर नहीं आता, तो हमें ओब्लिक व्यू जो है वो डिफरेंट पोजीशंस के साथ बना के तो पेशेंट का एक्सरे करवाना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को बेटा, क्योंकि आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपने पेशेंट का एक्सरे खुद से तो करना नहीं है, ठीक है ना। पेशेंट आपके पास एक्सरे करके आएगा, करवा के आएगा, ठीक है, या आपने पेशेंट को रेफर जो है वो ज़रूर करना होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट एल्बो के केस के साथ आता है तो उसको हमने कौन सा व्यू जो है वो उसको हम रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर उसको ह्यूमरो रेडियल जॉइंट पे आपको लगता है कि उसका कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो आप उसको लैटरल और ओब्लिक व्यू जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ तक क्लियर है, या स्पेशल व्यूज भी जो है वो मैं इसको रिपीट करूँ, मैम करते हैं बेटा आप लोग, मैं तो कर दूंगी लेकिन इसका मतलब है आप लोग पढ़ते नहीं है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भी सुना करेंगे बेटा, मैम सुनते हैं, वो थोड़ी बहुत चीजें क्लियर नहीं होती। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा बच्चे अब ओब्लिक व्यू में क्या था, ओब्लिक व्यू फर्स्ट डिस्ट इज डन टू डिटेक्ट स्केफॉइड फ्रैक्चर, द एक्सरे बीम इज गिवन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन विच इज स्लाइटली स्लांटिंग, ठीक है। अब आप इसको बेशक भूल जाएं कि एक्सरे बीम जो है वो स्लांटिंग है या क्या है, आपने सिर्फ, मैंने आपको बताया था बेटा क्या याद रखनी है बात यहाँ पे, स्केफॉइड फ्रैक्चर की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक इंजरी बताई थी, फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, FOSH, ठीक है, आप लोग लिख लें इसको, मैंने आपको बताया था FOSH, फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, ये बहुत कॉमन इंजरी होती है और बहुत ज़्यादा पेशेंट आपके पास इसके साथ आते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जी यूजली अगर किसी पेशेंट का कोई बैलेंस आउट है, ठीक है, या यंग एज में बच्चा है या कोई भी पेशेंट यंग एज में, तो क्या हुआ, एकदम से गिरा, जब वो गिरा तो उसने अपने हाथ को क्या किया, जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर
उसका आउटस्ट्रेच हो गया, ठीक है, मतलब रिस्ट जो है वो उसकी किस में चली गई, हाइपर एक्सटेंशन में चली गई। जब रिस्ट हाइपर एक्सटेंशन में चली गई तो सारा जो है वो उसका प्रेशर कहाँ पे आ जाता है, स्केफॉइड बोन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, हम उसको रिस्ट का फ्रैक्चर भी कह सकते हैं, या स्पेसिफिकली जो स्केफॉइड बोन है उसका उस वक्त फ्रैक्चर जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको केस इस तरह से आ सकता है कि एक पेशेंट है वो आपके पास आया है 2 डेज बैक, ही फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड एंड उसके जो रिस्ट में थी वहाँ पे ही स्टार्ट फीलिंग पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑन द अफेक्टेड हैंड, ठीक है, एंड ही इज अनएबल टू लिफ्ट द इवन द कप ऑफ टी, ठीक है ना। तो आप जो है वो उसको आप क्या उसको डायग्नोज कर सकते हैं, सस्पेक्टेड डायग्नोसिस आपका क्या हो सकता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। या आप जो है वो ये बताएं कि इस केस में आप पेशेंट को कौन सा एक्सरे व्यू जो है वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है, और क्यों रिकमेंड करेंगे। तो आप उसमें हमें बताएंगे कि जी हम स्केफॉइड फ्रैक्चर के चांसेस हैं पेशेंट जब अगर फॉलो आउटस्ट्रेच हैंड के साथ गिरा है तो, ठीक है, और सेकेंडली क्या है कि पेशेंट को हम ओब्लीक व्यू जो है वो रिकमेंड करेंगे। क्यों जी ओब्लीक व्यू रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ओब्लीक व्यू जो है वो हम यूजली स्मॉल जॉइंट्स को जो है वो व्यू करने के लिए यूज जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसको इस तरह आपने जो है वो पढ़ना है। देन आ जाता है हमारे पास एजेडेड व्यू, दैट इज टू डिटेक्ट द एसिटेबुलर फ्रैक्चर। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओब्लीक व्यू ऑफ द हिप। हियर द पेशेंट्स ट्रंक इज रोटेटेड टू कॉन्ट्रालैटरल साइड इन रिलेशन टू द हिप हुज इमेज इज बीइंग टेकन, ठीक है। अब इसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि पेशेंट आपके पास कोई भी एसिटेबुलम जो आपको पता है कहाँ पे होता है, ये हमारे पास एसिटेबुलम होता है, ठीक है, जहाँ पे फीमर का हेड जाके जॉइंट बना रहा होता है जो बेसिकली हिप जॉइंट होता है, ठीक है। अब जब भी किसी पेशेंट का हिप जॉइंट जो है उसकी कोई इंजरी होती है, वो हिप वो गिर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और वो गिरा और लेटरल साइड पर उसकी बॉडी का सारा वेट आ गया एकदम से, ठीक है। तो क्या चांसेस होते हैं, एक चांस होता है कि ये जो नेक है ना आपको, ये नेक इसको हम कहते हैं नेक ऑफ द फीमर, ठीक है, या तो नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली, मतलब अगर आप कहेंगे 90% चांसेस किसके होते हैं, नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर के, ठीक है। सेकेंड शाफ्ट ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर हो जाए, यहाँ से फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, ये सेकेंड हो गया। और थर्ड जो हमारे पास कॉमन है वो क्या है, एसिटेबुलम का इटसेल्फ, ठीक है, ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये जो सॉकेट है एसिटेबुलम है, इसका जो है वो फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। अब डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट की क्या एज है, ठीक है, यंग एज में है, ओल्ड एज में है, या जो भी है। सो बेसिकली अगर एसिटेबुलम का, अब ये देखिए, अब मैं आपको इसमें केस बना के दे सकती हूँ कि एक पेशेंट आपके पास आया है, जो है वो क्या हुआ है कि वो लेट्स सपोज हम कहते हैं शॉपिंग करने पेशेंट जा रहे थे, ठीक है, और उन्होंने हील पहनी हुई थी और उनका हील से पाँव जो है वो स्लिप हुआ, ठीक है, और वो उनका सारा वेट जो है वो कहाँ पे आ गया, राइट साइड ऑफ द हिप के ऊपर पड़ा है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो आपको राइट हिप में जो है वो पेन की कंप्लेन कर रही है, उनकी गेट जो है वो भी जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, ठीक है। वैसे तो इसमें गेट की टाइप्स भी होती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं पेनफुल गेट है पेशेंट की, ठीक है। पेशेंट आपको कह रही है उससे वेट बेयरिंग नहीं हो रही, शी इज अनएबल टू हैविंग प्रॉपर वेट ऑन द जॉइंट, ठीक है, और लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट जो है वो कह रही है उसके लिए मुश्किल है। तो आप जो है वो क्या सस्पेक्ट करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि जी वहाँ पे हमारे पास हिप जॉइंट की कोई भी एनोमली हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि या तो हिप जॉइंट का स्पेसिफिकली जो है वो पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू दे दें, या फिर हम एसिटेबुलर फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो उसके लिए पेशेंट को जेडेड व्यू जो है वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है जी, जो कि बेसिकली हमारे पास एक ओब्लीक व्यू की ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। और उसमें होता क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो साइड पेशेंट का अफेक्टेड होता है, जैसे कि अगर राइट हिप का एक्सरे लेना है तो पेशेंट को लेटरल साइड पे जो है वो राइट हिप का लेना है, तो लेफ्ट साइड पे पेशेंट अपनी करवट ले लेगा, ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड के हिप का जो है वो व्यू लेना है तो पेशेंट राइट साइड पे जो है वो साइड लाइन व्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप लोगों को याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज वही बात है कि ये जो रेडियोलॉजिस्ट है उनको फोकस करना है कि उन्होंने इमेज जो है वो किस तरह से लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एसिटेबुलर का फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए अगर हम कोई स्पेसिफिक व्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सा है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हिप का व्यू हो ना, पोस्टीरियर इंटीरियर हिप का व्यू, तो उसमें क्या होगा कि पूरी हिप बोन भी साथ एक्सपोज हो रही होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जेडेड व्यू है वो क्या कर रहा है कि वो हमें एक ओब्लीक व्यू दे रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली हमें क्या नजर आ रही है, एसिटेबुलम जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है, कि इसका कोई फ्रैक्चर तो आपको यहाँ पे नहीं हुआ हुआ, ठीक है। जैसे कि आप ये देखें, ये यहाँ पे नॉर्मल है और ये हमें यहाँ पे आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये इसका जो है यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये अगेन वही बात है कि इसका भी आपको इस तरह से सिनेरियो बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बच्चे। फिर मैंने आपको बताया था मर्चेंट व्यू, मर्चेंट व्यू इज डन फॉर द पटेलो फैमरल जॉइंट, इट इज टेकन इन सच अ वे दैट द ओनली इमेज ऑफ द पटेला इज ऑब्टेन, ठीक है बच्चों। अगेन यहाँ पे मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था,
पटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम, ठीक है, क्या पटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम, जो कि मैंने आपको बताया था कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास ये पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और पेशेंट आकर तो ये नहीं कहता कि मेरे पटेलो फेमरल जॉइंट में पेन है या पटेलो फेमरल सिंड्रोम हो गया मुझे, वो ये कहता है कि मेरे, वो स्पेसिफिकली अपने पटेला के ऊपर हाथ रखेगा, ठीक है, जो डीन कैप है हमारे पास उसके ऊपर हाथ रखेगा, वहाँ पे उसको स्वेलिंग आपको नजर आएगी, वहाँ पे आपको रेडनेस नजर आएगी, इन्फ्लेमेशन के साइंस नजर आएंगे। और पेशेंट क्या कहेगा कि जी मुझे, मुझसे वेट बेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है, मुझसे नमाज में झुका नहीं जा रहा, मुझसे ज़मीन पे नहीं बैठा जा रहा, मुझसे स्टेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मुझे नी को बेंड करने में मसला आ रहा है, ठीक है ना। ड्राइविंग अगर वो करती हैं तो वो कहेंगी कि मुझसे ड्राइविंग नहीं हो रही है, मतलब वो एक्टिविटीज़ जिसमें पेशेंट की नी को बेंड होना है या उसको जो है वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करनी है, वो उसको क्या हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा। स्पेसिफिकली किसमें मसला आएगा, बेंडिंग में मसला आएगा, ठीक है जी। तो आपने क्या कहना है कि जी आपको पता चल जाएगा कि सस्पेक्टेड है कि इस पेशेंट को पटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम हो। वैसे इसके लिए टेस्ट भी होते हैं बहुत ज़्यादा, बट हम अभी वहाँ भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम मर्चेंट व्यू देते हैं, क्यों, क्योंकि जी मर्चेंट व्यू हमें स्पेसिफिकली इस तरह का पटेला का इमेज दे देता है कि पटेला का यहाँ पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है जी, या पटेला अपनी जगह से डिस्प्लेस तो नहीं हो गई, सब लग देर तो नहीं हो गई है, तो हमें इजीली जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। अब अगर आपको मैं इस तरह से पूरा सिनेरियो बना के दूँ कि पेशेंट के यहाँ यहाँ पे पेन है, क्या कंडीशन हो सकती है और आप कौन सा व्यू देंगे, तो आपको जो है वो पता चल जाना चाहिए, ठीक है बेटा। ये तो मैंने आपको बहुत दफ़ा अभी सारी चीज़ें रिपीट कर दी हैं, ओके। देन आ जाता है हमारे पास स्काईलाइन व्यू। स्काईलाइन व्यू मैंने आपको बताया था कि कैल्केनियम के फ्रैक्चर के लिए जो है वो हमारे पास इसको हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब कैल्केनियम का फ्रैक्चर भी अगेन आपके पास जो है वो क्यों हो सकता है, नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, कोई ट्रॉमेटिक की इंजरी हो गई है तब भी हो सकता है, ठीक है। पेशेंट का जो है वो कहीं पे कोई एंकल स्प्रेन था, ठीक है, पेशेंट की बोन्स जो थी वो ऑस्टियोपोरोटिक थी और उसका कोई एंकल स्प्रेन हुआ और कोई एंकल का एंगल इस तरह का बना है कि कैल्केनियम के ऊपर कहीं जो है वो क्या हुआ है, अनइक्वल वेट की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, ठीक है। तो कैल्केनियम का हमारे पास फ्रैक्चर जो है वो हो सकता है और उसके लिए हम स्काई लाइन व्यू यूज़ करते हैं। स्काई लाइन इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमें स्पेसिफिकली कैल्केनियम जो है वो उस व्यू के अंदर जो है वो नज़र आए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हमारे पास डन व्यू। डन व्यू इज एन एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हिप विद द पेशेंट सुपाइन एंड हिप्स एंड नी फ्लेक्स एट 90 डिग्री, लेग्स एबडक्टेड टू 15 to 20 डिग्री एंड द फीमर इन द न्यूट्रल रोटेशन, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको बताया था कि डन व्यू बेसिकली हम क्यों करते हैं। डन व्यू में क्या होता है कि आपने हिप जॉइंट और पेल्विस दोनों की सिंक्रोनिसिटी अगर देखनी है कि दोनों जॉइंट आपस में, हिप और पेल्विस ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो लिंक बना रहे हैं, जो जॉइंट बना रहे हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है, तो उसमें आप इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको सैक्रम भी नज़र आ जाएगी इजीली, ठीक है, आपको पूरा पेल्विस जॉइंट भी नज़र आ रहा है और साथ आपको हिप भी इसमें जो है वो विजुलाइज हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर पेशेंट आपके पास इस तरह का एक एक्सरे लेके आता है तो आप कहेंगे जी ये तो हिप भी इसमें नज़र आ रहा है, पेल्विस भी नज़र आ रहा है, खाली हिप जॉइंट भी स्पेसिफिकली नज़र नहीं आ रहा, दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली डन व्यू है जिसमें पेशेंट की हम पोजीशन ही इस तरह की बना के एक्सरे लेते हैं ताकि हमें हिप और पेल्विस दोनों जो है वो विजुलाइज हो सके, ठीक है। तो अगेन इसमें भी आपका सिनेरियो बन सकता है कि पेशेंट को हिप पेन भी है और पेशेंट जो है वो लेट्स सपोज अपने सैक्रम के एरिया के ऊपर जो है वो फॉल गिरा, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे पेशेंट गिरा और उसका जो सारा प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, वो कहाँ पे आ गया, हमारे सैक्रम के ऊपर आ गया, ठीक है। या आप लोगों ने कंडीशन सुनी होगी कॉक्सीडाइनिया, ठीक है, कॉक्सीडाइनिया में भी क्या होता है कि पेशेंट को सैक्रम बोन के ऊपर जो है वो क्या आ रहा होता है, पेन आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको बना के दिया जा सकता है कि पेशेंट का जो गिरा और उसके जो है वो हिप बोन नहीं बल्कि सैक्रम के ऊपर जो है वो सारा प्रेशर आया और पेशेंट सैक्रम बोन के ऊपर आपको पेन जो है वो विजुलाइज करके बता रहा है, ठीक है। तो उसमें आप जो है वो क्या बताएंगे, डन व्यू बताएंगे और थोड़ा सा आपको फिर आइडिया भी होना चाहिए कि वो व्यू जो है वो हम क्यों रेफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया इसलिए क्योंकि दोनों जो है वो उसमें हमारे पास बोन जो है वो विजुलाइज हो रही हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आ रहा था मॉडिफाइड डन व्यू। मॉडिफाइड डन व्यू में ये होता है कि ये उसी की मॉडिफिकेशन है, उसमें हम हिप की पोजीशन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, 45 डिग्री पे फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिकली दोनों व्यू जो है वो या तो कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई हिस्ट्री फॉल के साथ पेशेंट आ गया तब, या हमने फेमरल हेड को जो है वो अगर स्टडी करना हो, या प्री मेच्योर आर्थराइटिस के साथ कोई पेशेंट आपके पास आया है, अगली एज में उसको आर्थराइटिस के चांसेस हैं, तो आप जो है वो ये व्यूज जो है वो उसको रिकमेंड करेंगे, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको बहुत दफ़ा ये व्यूज जो है वो रिवाइज करवा दिए हैं, अब अभी भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आए हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप लोग जो है वो खुद से एक दफ़ा एफर्ट करके पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है बेटा।
रिकॉर्डिंग सुने, बार बार सुने, फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हमने जब भी कोई एक्सरे देखना है, स्पेसिफिकली बोन्स का एक्सरे, तो उसमें आपने ये सारे पॉइंट जो है वो माइंड में रखना है, ठीक है जी। क्या रखना है? सबसे हमने पहले बोन एंड जॉइंट अलाइनमेंट, ठीक है जी, बोन और जो उसका जॉइंट बन रहा है वो दोनों आपस में अलाइंड है, एक नॉर्मल अलाइनमेंट है, ठीक है। आप लोगों ने सब ने अनाटमी पढ़ी हुई है, ठीक है बेटा। तो जब आप एक्सरे देखेंगे तो आपने अनाटमी को जो है वो माइंड में रखना है, ठीक है। अब आप लोगों ने अनाटमी खुद से रिवाइज करनी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जब एक्सरे जो भी देखें ना, नी का एक्सरे देख रहे हैं, फटाफट नी के जो है वो अनाटमी जो है वो उसको देख रहे हैं आप, और जो है वो आपको पता चल जाएगा कि एक्सरे में क्या एबनॉर्मैलिटी आ रही है, ठीक है। इसी तरह से फिर मैंने आपको बताया था कि जॉइंट की स्पेसिस विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कार्टिलेज जो है उसके अंदर वियर एंड टीयर प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और हमारे जॉइंट के अंदर स्पेसिस जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नैरोइंग ऑफ स्पेसिस, वो भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू एनोमली, ठीक है जी, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सरे के ऊपर आपको फैट्स भी नज़र आएंगे, ठीक है, आपको उसके ऊपर जो है वो सॉफ्ट टिश्यू का इमेज भी नज़र आएगा, तो वो जो उन सॉफ्ट टिश्यू की जो भी कोई एबनॉर्मेलिटी है वो भी आपने देख लेना है कि वहाँ पर कोई आपको लेजन या कोई टीयर जो है वो नज़र तो नहीं आ रहा, ठीक है। देन कॉर्टिकल आउटलाइंस, कॉर्टिकल आउटलाइंस क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूंगी अभी आगे जाके। बेसिकली जो आपके जॉइंट की आउटलाइंस होती हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, उसको हम कह रहे होते हैं कॉर्टिकल आउटलाइंस, ठीक है। देन टू व्यूज, ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने एक्सरे देखना है तो आपने दो व्यूज माइंड में रखने हैं, ठीक है, कि एक व्यू नहीं देखना। पेशेंट आपके पास सिंपल एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू का एक्सरे लेके आ गया है तो आपने उसे कहना है कि जी आप एक और व्यू भी करवा देना, ठीक है, और हमेशा उन दोनों व्यूज को फिर आपने आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। देन बेटा आ जाता है हमारे पास कंपेयर नॉर्मल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपने जो भी नॉर्मल एक जॉइंट होता है उसके साथ एक्सरे को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट का हिप जॉइंट का आप एक्सरे देख रहे हैं और दोनों ही हिप जॉइंट उसको जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है ना, तो अब आप नॉर्मल कहाँ से कंपेयर करेंगे? आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि वो जॉइंट किस तरह का है, ठीक है, उसकी क्या जो है वो कॉम्पोजिशन है। देन आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक मशीन एरर हो सकता है और एक ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपके पास एक्सरे आया, सॉरी आपके पास एक्सरे आया और वह एक्सरे जो है वो क्या है, क्लियर नहीं है, ठीक है। क्या रीज़न है उसका क्लियर ना होने का? कि मशीन जो थी वो हमारे पास प्रॉपरली एक्ट नहीं वर्क नहीं कर रही थी जब एक्सरे लिया गया, ठीक है, या जो भी रेडियोलॉजिस्ट था उसने प्रॉपरली एक्सरे नहीं लिया, ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। या फिर क्या रीज़न हो सकता है कि पेशेंट ने कोई ज्वेलरी पहनी हुई थी, ठीक है, या कोई उसकी ड्रेसिंग इस तरह की थी कि जो है वो एक्सरे का इमेज जो है वो प्रॉपरली नहीं आए, ठीक है। तो आपने जब भी एक्सरे दे पढ़ना है आपने ये ज़रूर देख लेना है कि कोई एरर तो नहीं था जिसकी वजह से एक्सरे इस तरह का आया है, ठीक है ना, चाहे वो मशीन का एरर हो चाहे वो ह्यूमन एरर हो, ये दोनों चीज़ें आपने जो है वो देख लेनी है। देन कंपेरिजन, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड दोनों पार्ट को जो है वो आपने कंपेयर जो है वो ज़रूर कर लेना होता है। देन टाइप ऑफ इंजरी या फ्रैक्चर, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपने एक्सरे पढ़ना है तो आपने ये ज़रूर देख लेना है कि किस टाइप की इंजरी हुई है। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ इंजरी से हमें ये पता चलता है कि किस टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, या किस टाइप का जो है वो उसकी जो भी डिफॉर्मिटी है डिवेलप हो गई है वो किस टाइप की हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें एंकल स्प्रेन के साथ पेशेंट आता है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उसका जो है वो कैल्केनियम का या मेटाटार्सस का कोई फ्रैक्चर हो गया हो, ठीक है। अब फिर उसमें एंगल किस तरह का पाँव का बना था, ठीक है, अगर लेटरल साइड पे ज़्यादा वेट पड़ा था पाँव पे तो इसका मतलब है कि जो फोर्थ फिफ्थ मेटाटार्सल है उनका फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से मीडियल साइड ऑफ द पाँव पे जो है वो ज़्यादा वजन पड़ गया था तो फिर आपको फर्स्ट या टू मेटाटार्सल के फ्रैक्चर के चांसेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेनी होती कि आप गिरे तो किस एंगल से गिरे, ठीक है। जब वो एंगल आपको पता चल जाएगा तो आपको स्पेसिफाइड हो जाता है कि इसको इस टाइप की इंजरी हुई थी और ये स्पेसिफिकली बोन जो है वो इस इंजरी में हिट हो सकती है, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के फ्रैक्चर्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास एक रूल होता है ए बी सी डी। ए इज़ बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ द बोन, ठीक है जी, आपने बोन की अलाइनमेंट देख लेनी है प्रॉपर है या नहीं। सेकेंड बोन जनरल बोन डेंसिटी, मैंने आपको बताया था कि बोन की हेल्थ बोन की जनरल डेंसिटी आपने ज़रूर देखनी है, ठीक है। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक एक्सरे पकड़े और उसके अंदर आप देखेंगे जी ये फ्रैक्चर हुआ हुआ है दैट्स इट, नो, आपने ये ज़रूर देखना है कि बोन की ओवरऑल हेल्थ किस तरह की है, ठीक है। बोन कहीं पोरस तो नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी डेंसिटी आपको रिड्यूस होती हुई नज़र तो नहीं आ रही है। क्यों? इस वजह से क्योंकि आपने पेशेंट को जो है वो साथ साथ मल्टी विटामिन भी रिकमेंड करने होते हैं, ठीक है ना। अगर देखें आपको लगता है कि पेशेंट की बोन्स जो है वो वीक हैं, पोरस हो रही है, उनकी डेंसिटी कम हुई हुई है, तो आप क्या करेंगे कि आप उनको कहेंगे कि आप जो है वो चांसेस हैं कि आपका फ्रैक्चर जो है वो हो जाए, ठीक है।
तो आप क्या करें जी, आप अपने कैल्शियम और वाइटामिन डी के इनटेक को जो है वो प्रॉपर करें, आप अपनी डाइट को जो है वो प्रॉपर करें, ठीक है। तो ये आपने जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरे, आप पेशेंट आपके पास आया है उसका एक्सरे क्लियर है तो बस आपने कह दिया ओके फाइन जी आपका एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं है, बात खत्म हो गई। नो, फ्रैक्चर के अलावा भी आपने और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी है, ठीक है। देन कार्टिलेज सफिशेंट, कार्टिलेज स्पेस, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था बेटा कि जब कार्टिलेज आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है जॉइंट्स के दरमियान में, तो स्पेसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, नैरो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने जो भी जॉइंट का एक्सरे पड़े हैं उसमें आपने ये ज़रूर देख लेना है कि स्पेसेस नॉर्मल हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्पेसेस नॉर्मल नहीं होंगी, स्पेसेस कम हो जाएंगी, इसका मतलब है कार्टिलेज पेशेंट की जो है वो उसके अंदर वियर एंड टीयर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसमें अर्ली डीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है और चांसेस हैं कि इस पेशेंट को क्या हो, आर्थराइटिस जो है वो हो जाए, ठीक है। अभी बेटा ये एक एक पॉइंट से आपका जो है वो सिनेरियो बेस्ड के अंदर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप हर पॉइंट को जो है वो क्लियरली जो है वो याद रखें। डी इज़ फॉर अदर स्टफ, ठीक है जी। बाकी आपने जो है वो फैट पैड्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं साइड पे आपके, वो भी आपने एक्सरे के अंदर जो है वो ज़रूर जो है वो देखने हैं। और उसके अलावा कोई आपको एक्सटर्नल कोई बुलेट, कोई ज्वेलरी या कोई और इस तरह का जो है वो आर्टिफैक्ट तो नहीं नज़र आ रहा है, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। तो जो पहले वाले पॉइंट्स थे वो भी आपने माइंड में रखने हैं, और ये जो रूल है ए बी सी डी, ये भी जो है वो आपने माइंड में रखना है वाई रीडिंग द एक्सरे। ओके बेटा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलेटल कंडीशन, ठीक है। अब ये तो ये बहुत कॉमन सी मैंने स्केलेटल कंडीशन यहाँ पे मेंशन की हुई है, जिस केस में आपको पेशेंट को एक्सरे रेफर जो है वो हमने करना होता है, ठीक है। नंबर वन तो फ्रैक्चर आ गया है, पेशेंट किसी भी इंजरी के साथ आया है और हमें लग रहा है कि उसको फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो आप उसको एक्सरे जो है वो ज़रूर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। देन ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है जी। आपको कोई भी बोन का बुनी इन्फेक्शन लग रहा है और वो आपको लग रहा है कि वो स्प्रेड कर रहा है, एक बोन से दूसरी बोन तक स्प्रेड कर सकता है, तो भी आप उसको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनोमलीज, ठीक है, कोई पेशेंट आपके पास आया और आपको स्ट्रक्चरली उसके अंदर कोई एनोमली लग रही है, कोई उसको डिफॉर्मिटी डेवलप लग रही है आपको, तो उस डिफॉर्मिटी को कंफर्म करने के लिए भी हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सरे रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। देन डीजनरेटिव जॉइंट कंडीशन, ठीक है जी, जिसको हम डीजनरेटिव जॉइंट डिजीजेस भी कहते हैं, उसमें भी ये होता है कि आपको लगता है कि कोई भी पेशेंट अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस के साथ आ गया है, यानी कि यंग एज में पेशेंट को कोई डीजनरेटिव डिजीज हो गई है, ठीक है, या वो पेन आपको बता रहा है कि जो है वो पाँव में दर्द होती है, या आपको कह रहा है कि मेरी कमर में दर्द हो रही है, या वो कह रहा है कि आपको उसको नीज में जो है वो पेन आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये डीजनरेटिव चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी के अंदर जिसमें इस तरह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तब भी आपने उसको रूल आउट करने के लिए कि क्या किस टाइप की डीजनरेशन है और कितनी डीजनरेशन जो है वो बॉडी में अब तक डिवेलप हो गई है, उसके लिए भी आपने पेशेंट को एक्सरे जो है वो ज़रूर रिकमेंड करना होता है, ठीक है जी। मैंने आपको, हमें जब डे वन पे ही एक्सरे पड़ा था तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि एक्सरे जो है वो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है डायग्नोसिस के लिए हम उसको जो है वो बेसिकली टूल है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली यूज टूल है जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने एक्सरे में कौन सा रूल याद रखना है पढ़ते हुए और कौन कौन सी फाइंडिंग्स जो है वो उनको आपने देखना है, ठीक है मैम। अब ये जो जी जी मैम, ये जो पोरस बोन्स है वो विजिबल होती है एक्सरे पे? हाँ जी बेटा बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये आपको नजर आ रहा है बोन ये? यस मैम। ठीक है, अब आप ये देखें, ये जो ये वाली चीज़ है इसको जरा आप थोड़ा सा अगर फोकस करोगे ना बच्चे, तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह की ये वाली बोन आपको सारी ऐसे पोर्स के पोर्स नजर आ रहे हैं अंदर, ये देखें ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स, ये यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ ये देखें, ये यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, ये यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, ऐसे नहीं है ना, ये यहाँ पे माइनर माइनर से ऐसे नजर आ रहे हैं, तो इस तरह की सारी बोन आपकी इस तरह की हो जाती है, ठीक है। तो वो फिर हमें नजर आ जाता है कि जी इसकी डेंसिटी बोन की खत्म हो रही है और बोन जो है वो पोरस हो रही है, तो इसका मतलब है क्या हो रहा है कि ये पेशेंट जो है वो आर्थराइटिस की तरफ जाएगा, ठीक है, और डेफिनेटली फिर इसके फ्रैक्चर के चांसेस भी ज्यादा होंगे, तो ये आपने जरूर देख लेना। अच्छा जी बच्चों, उसके अलावा जो है अच्छा जी, अब हम पढ़े थे बोन एंड ज्वाइंट अलाइनमेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने बोन और ज्वाइंट की अलाइनमेंट देख लेनी है, तो अब आप ये देखें जी, हमने अलाइनमेंट देखी और जब हमने अलाइनमेंट देखी तो जॉइंट किधर जा रहा है और बोन्स जो है वो किधर जा रही हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट क्या है, यहाँ पे सीधी साधी डिस्टर्ब हुई हुई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुई हुई है बेसिकली। सेकेंड बच्चे, हमने क्या देखना है, जॉइंट स्पेसेस, ठीक है, जो कि मैंने भी आपको पहले बताया है कि ये देखें, ये नॉर्मल जॉइंट स्पेस है, ये नॉर्मल जॉइंट स्पेस है, ये नॉर्मल जॉइंट स्पेस है, ठीक है ना, दोनों जॉइंट के दरमियान में ये स्पेसेस नजर आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ, ये स्पेसेस रिड्यूस हो गई हैं, ये देखें कैसे जॉइंट आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं जॉइंट नैरोइंग। और इसका क्या रीज़न होता है, कार्टिलेज जो है उसका डीजनरेशन उसके अंदर या वियर एंड टीयर का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको हम आर्थराइटिस भी कहते हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं।
ओके, और इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं वो भी बनना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं या स्पाइक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना है कि जो नोके तो नहीं निकल रही हैं, ठीक है, बोन्स की। एक और मैंने आपको इमेज दिखाया था, जिसे मैंने आपको हील्स पर दिखाया था, ठीक है ना, हील्स पर का मैंने आपको एक इमेज दिखाया था लास्ट लेक्चर की, आप उसमें देख लें। और मैंने आपको बताया था कि उसमें भी हो सकता है कि पेशेंट आपको कहता है कि उसको कंटिन्यूसली जो है वो क्या हो रहा है, हील में पेन हो रहा है, यूजली हील में कैल्केनियम स्पर जो है वो हमारे पास बन जाता है, ठीक है। और वो आपको कहेगा कि मुझे कंटिन्यूसली पेन हो रहा है हील के अंदर, इवन जो है वो उन्होंने जूतों में मॉडिफिकेशन भी की होती है, कोई सॉफ्ट पैड भी रखा होता है, बट स्टिल उनको पेन हो रहा होता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि एक और आपको साइन बताते हैं, वो ये बताते हैं कि उनको जो है वो पाँव उनका सून होना शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि वो जो हील स्पर होता है वो जाके टिश्यूज़ को भी इफेक्ट कर रहा होता है, टिश्यूज़ के ऊपर प्रेशर डालता है, इसलिए पेशेंट को इन्फ्लेमेशन के साइन आते हैं, दर्द होती है। और इसके अलावा क्या होता है कि वो जो स्पर होता है वो जो वहाँ पे नर्व्स पास करी होती है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस करना शुरू कर देता है। जब उनको कंप्रेस करना शुरू होता है तो पेशेंट के अंदर क्या है, नमलिंग जो है, नमलिंग और टिंगलिंग सेंसेशन भी जो है वो आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है वो एक सिनेरियो क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है बेटा। उसके बाद ही मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट टिश्यू एनोमली भी हमने जो है वो एक्सरे के ऊपर ज़रूर देखनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैट हमें जो है वो किस तरह का नज़र आता है, डार्क ग्रे कलर का जो है वो फैट नज़र आता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो जितने भी सॉफ्ट टिश्यू आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर कोई टियर होगा तो वो हमें वहाँ पे जो है वो इजीली विजिबल हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। उसके बाद जॉइंट एनाटमी, ठीक है, मैंने जैसे भी आपको पहले बताया कि जो भी जॉइंट है उसकी एनाटमी का आपको जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आपने जब नॉर्मल एनाटमी पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक जो है वो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो आपने स्पेसिस देख ली, कार्टिलेज है प्रॉपर देख लिया, ये जॉइंट जो है वो अलाइनमेंट हुई है या नहीं है। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपने एक्सरे को पढ़ना है तो आपने उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि ये आपने ये नहीं है कि ये बोन ऊपर ये बोन नीचे, ठीक है ना। ये बेसिकली आपने अगर इस तरह पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं रख के पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप जो है वो प्रॉपरली उस जॉइंट की जो भी एनामली है उसको विजुलाइज जो है वो नहीं कर सकेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद आ रहा था हमारे पास कॉर्टिकल आउटलाइन, ठीक है। जैसे हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि फाइंडिंग्स में आपने कॉर्टिकल आउटलाइन को भी देखना है, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमें जॉइंट एक्सरे लग रहा होता है कि बिल्कुल एक्सरे जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, या कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और दिस दैट्स इट, ठीक है। लेकिन आप क्या होता है कि आपने फ्रैक्चर पे फोकस कर रहे होते हैं, आप और चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, आपने ये नहीं देखा होता कि जॉइंट जो है वो आपस में जो उनकी आउटलाइंस हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना होता है कि हमने जॉइंट के ऐसे आउटलाइन बना के देखनी होती है कि ये प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देखें, जब हमने बनाई तो हमें नज़र आ रहा है ये ऊपर में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये आपस में जॉइंट जो है वो यहाँ तो डिस्प्लेस हो गया होगा या जो है वो टाइमली जो है वो क्या हो गया होगा, सबलगेट हुआ होगा, ठीक है। तो आपने ये जो है वो कॉर्टिकल आउटलाइंस भी किसी भी बोन की जिसका भी जो भी एक्सरे पड़े उसके ऊपर कॉर्टिकल आउटलाइंस जो है वो आपने उसके ऊपर भी ज़रूर फोकस करना है, ठीक है जी बच्चे। देन हमारे पास आ रहा था टू व्यूज़, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हमें टू व्यूज़ जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है, और मैंने आपको बताया था टू व्यूज़ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई फ्रैक्चर हमें एक व्यू में प्रॉपरली नज़र नहीं आता और हम कहते हैं कि जी नहीं है पेशेंट को फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पेशेंट के लिए, हार्मफुल हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप देखेंगे एंकल का इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, इसमें हमें कोई फ्रैक्चर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जब हमने पेशेंट का लेटरल व्यू कराया तो साथ ही हमें यहाँ पे फ्रैक्चर जो है वो टैलस के ऊपर टीबिया के ऊपर जो है वो फ्रैक्चर नज़र आ गया, ठीक है। तो अब अगर आपने सिर्फ पेशेंट को इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू रिकमेंड किया होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप कहते जी आपका कोई फ्रैक्चर नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं जी, आप घर जाएँ, और उसका तो फ्रैक्चर हुआ होता यहाँ पर, सही है ना। तो इसलिए हमने हमेशा पेशेंट को दो व्यूज जो हैं वो रिकमेंड करने होते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली आ रही है, ठीक है बच्चे। देन कंपेयर नॉर्मल, कंपेयर नॉर्मल, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हमेशा आपने क्या करना है कि पेशेंट का जो नॉर्मल जॉइंट है उसके साथ उसको आपने ज़रूर जो है वो कंपेयर करके देख लेना है। जैसे ही आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि पेशेंट को जो है वो क्या जो है वो अबनॉर्मेलिटी आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है उसकी जॉइंट के अंदर, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर एक्सरे प्रॉपरली नहीं लिया गया, ठीक है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, यानी कि रेडियोलॉजिस्ट ने प्रॉपरली नहीं लिया, मशीन में कोई मसला था, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सरे प्रॉपर नहीं आया, या क्या हो सकता है कि पेशेंट ने जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेशेंट ने कोई बैंगल या कुछ इस तरह से पहना हुआ था, ठीक है, और उसकी वजह से हमें एक्सरे जो है वो क्लियर नज़र नहीं आया, ठीक है। तो ये जो है वो बेटा आपने ज़रूर देख लेना है कि एक्सरे में तो इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ऐसे लग रहा हो कि पेशेंट की बोन के अंदर मसला है, ठीक है, तो ये आपने ज़रूर देख लेना है।
ओके देन हाँ जो है बच्चे जी फ्रैक्चर यहाँ स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रैक्चर ठीक है जी, ये भी जो है इसमें आप लोगों ने आई थिंक सारे ठीक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर शायद आप लोगों ने पढ़े हुए ही हो। तो इसमें जो है वो बेटा ये एमन खाले जो भी हैं अपना कैमरा ऑफ कर लें ठीक है जी बच्चे। तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर आप लोगों ने पढ़े होंगे, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, सेगमेंटल फ्रैक्चर, एवल्जन फ्रैक्चर, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर ठीक है। तो ये जो फ्रैक्चर्स हैं इसको वैसे तो हम पेशेंट की इंजरी से भी हमें पता चल सकता है, लेकिन एक और जो इसका तरीका बड़ा आसान होता है देखने के लिए कि किस तरह का पेशेंट को फ्रैक्चर है वो क्या है, बाय द डायरेक्शन ऑफ द फ्रैक्चर लाइन ठीक है। फ्रैक्चर जिस तरह से फ्रैक्चर की लाइन नज़र आ रही होगी इसका मतलब है वो उसी टाइप का फ्रैक्चर है ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है वो लाइन नज़र आ रही है आपको, सीधी लाइन नज़र आ रही है ठीक है। तो ये कौन सा आपके पास फ्रैक्चर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर हो गया ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास किस तरह से नज़र आ रहा है, ये आपके पास ओब्लिक फ्रैक्चर हो गया ठीक है जी, ओब्लिक लाइन नज़र आ रही है। इसी तरह से ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्चर हो गया, स्पायरल फ्रैक्चर हो गया ठीक है। क्योंकि बोन जो है मैंने आपको बताया था स्पायरल फ्रैक्चर के अंदर एक ओब्लिक लाइन भी नज़र आएगी और साथ रोटेशन भी बोन की जो है वो आपको नज़र आएगी ठीक है। तो जो जो जॉइंट की फ्रैक्चर की लाइन है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का फ्रैक्चर है ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स को आप लोगों को जो है वो जो बताया जा रहा होता है स्पॉटिंग के लिए आपको कहते हैं कि कौन सा एक्सरे का फ्रैक्चर है आप बताएं, तो आप जो है वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे रटा लगा रहे होते हैं, स्पायरल को ब्लीक कह रहे होते हैं, ब्लीक को लॉन्गिट्यूडनल कह रहे होते हैं। नो आपने रटा नहीं लगाना, आपने सिंपल क्या करना है, आपने फ्रैक्चर लाइन से याद रखना है ठीक है। ट्रांसवर्स लाइन आ गई इसका क्या मतलब है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। ओब्लिक लाइन आ गई है इसका क्या मतलब है, ओब्लिक फ्रैक्चर है। स्पायरल लाइन आ गई है इसका क्या मतलब है, स्पायरल फ्रैक्चर है ठीक है। आपको फ्रेगमेंट्स नजर आ गए हैं बोन के अंदर तो कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर है, दो सेगमेंट के अंदर बोन डिवाइड हो गई है तो कौन सा है, सेगमेंटेड फ्रैक्चर है ठीक है। इसी तरह से एवल्जन फ्रैक्चर जिसमें मसल टेंडन जो है वो बेसिकली बोन के पार्ट को सेपरेट कर देता है, तो ये हमारे पास क्या है, एवल्जन फ्रैक्चर है ठीक है। तो बेसिकली जॉइंट जो फ्रैक्चर की लाइन है उससे आपने क्या करना है, फ्रैक्चर का जो है वो डायग्नोज कर लेना है कि वो कौन सी टाइप का फ्रैक्चर है ठीक है जी। आप देखें ये फ्रैक्चर है सिंपल, हमारे पास ट्रांसवर्स लाइन आ रही थी, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया ठीक है। उसके बाद फिर ये एक इस तरह से पेशेंट के फिफ्थ मेटाटार्सल है ये बेसिकली ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये ओब्लिक लाइन आ रही थी तो ये हमारे पास कौन सा है, ओब्लिक फ्रैक्चर है ठीक है। देन स्पायरल फ्रैक्चर, स्पायरल फ्रैक्चर में क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें एक ओब्लिक रोटेट होती हुई नजर आएगी ठीक है, यानी कि स्पायरल हुई है बोन, ट्विस्ट हुई है जिसकी वजह से फ्रैक्चर आया, तो वो ट्विस्टिंग आपको जो है वो जरूर साथ नजर आएगी स्पायरल फ्रैक्चर के अंदर ठीक है बच्चे। देन सेजिटल या इसको हम सेगमेंटल फ्रैक्चर भी कह सकते हैं ठीक है। सेगमेंटल में क्या है, अगेन देखिए आप बोन जो है वो दो सेगमेंट्स के अंदर जो है वो देखिए क्या हुई है, डिवाइड हो गई है ड्यू टू द फ्रैक्चर ओके। कंपेयर विद ओल्ड एक्सरेज ठीक है जी। तो बच्चों ये आपने देख लिया कि डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फ्रैक्चर से हमें पता चल गया कि किस टाइप का फ्रैक्चर जो है वो है ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपने ओल्ड एक्सरेज के साथ इसको जो है वो क्या करना है, कंपेयर जरूर करना है ठीक है। अब आप देखें ये पेशेंट का कोई ओल्ड एक्सरे था, उसमें थोड़ा सा उसको लिटिक लेजन कोई बन रहा था, कोई डिजनरेटिव चेंजेस आ रही थी बोन के अंदर ठीक है, और वो अब आपके पास आया तो उसका फ्रैक्चर हो गया हुआ प्रॉपर ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि पहले जब एक्सरे देखा गया तो पेशेंट को शायद नहीं बताया गया होगा कि आपकी बोन जो है वो डिजनरेटिव हो रही है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ठीक है, और उसने उसी तरह ही कैरी ऑन रखा, अपनी एक्टिविटीज करता रहा और एट द एंड क्या हुआ, अब उसका फ्रैक्चर हो गया ठीक है। तो इसलिए हमने ओल्ड और न्यू एक्सरे, करंट एक्सरे को जो है वो हमेशा कंपेयर जरूर करना होता है ओके जी। देन मल्टी डायरेक्शनल ठीक है जी, कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है वो पेशेंट का फ्रैक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है ठीक है बच्चों। उसके बाद बाय द रिलेशनशिप ऑफ वन फ्रैगमेंट टू एन अदर ठीक है, आपने हमेशा एक और दूसरे दोनों जॉइंट का जो फ्रेगमेंट्स बन गए हैं उसका रिलेशनशिप जरूर देखना है ठीक है। कि अगर लेट सपोज इसमें हमारे पास चार तरह के रिलेशनशिप होते हैं ठीक है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट ठीक है, यानी कि फ्रैक्चर हुआ और ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर से क्या हुआ है, डिस्प्लेस हो गए, ये इस साइड पे डिस्प्लेस मीडियल और लैटरल दोनों साइड पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ठीक है। सेकंड क्या हुआ कि वो दोनों फ्रेगमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर गए, ओवरलैप करके ठीक है। थर्ड थिंग क्या हो सकती है,
ओवरलैप भी कह सकते हैं, इसको शॉर्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग क्या होती है, एंगुलेशन, ठीक है, यानी कि कोई भी स्पेसिफिकली दोनों फ्रेगमेंट्स ने आपस में एक एंगल जो है वो बना लिया, ठीक है। या फिर जो है वो फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है, दैट इज रोटेशन, ठीक है, कि दोनों फ्रेगमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में क्या हो गए, रोटेट कर गए, ठीक है बच्चों। तो ये जो है वो एक्सरे की कुछ फाइंडिंग्स थी जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपने एक्सरे में कौन कौन सी फाइंडिंग्स के ऊपर जो है वो फोकस करना है, ठीक है, और आपने फ्रैक्चर जो है वो उसको किस तरह से जो है वो डायग्नोज करना है, किस टाइप का फ्रैक्चर है, और अगर आपको बोन जो है वो दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है तो उन दोनों सेगमेंट्स के दरमियान में क्या फोर रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलेशन, रोटेशन, ठीक है, और शॉर्टनिंग, ये आपको जो है वो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जो है वो हम लोअर लिम के एक्सरेज हैं कुछ देख लेते हैं। जैसे मैंने फीमर का यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इंटीरियर पोस्टीरियर फीमर व्यू इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सीरीज एग्जामिनिंग द फीमर इन इट्स इंटायरिटी इंक्लूडिंग द हिप एंड नी जॉइंट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है जिससे हमने जो है वो फीमर और नी का जो है वो व्यू लिया हुआ है। अच्छा जी, अब नी एक्सरे इंडिकेशन, ठीक है जी बच्चे, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर नी का की प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आ रहा है तो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक इंडिकेशन हैं जिसमें हमें पेशेंट को एक्सरे रिकमेंड करना है, ठीक है। मैंने आपको डे वन पे बताया था कि हमने विदाउट एनी रीज़न ये नहीं करना होता कि पेशेंट को एक्सरे जो है वो रिकमेंड कर दें, ठीक है। आपने देखना होता है कि कंडीशन ऐसी है जिसमें करना है रिकमेंड या नहीं करना, ठीक है। अब नंबर वन क्या है, एज 55 ईयर्स आर ओवर, ठीक है जी। पेशेंट आपके पास जो है वो 55 ईयर्स के ज़्यादा एज का है तो आप उसको ज़रूर रिकमेंड करेंगे, ठीक है। चांसेस हैं कि उसके अंदर डीजनरेशन बॉडी के अंदर स्टार्ट हो गई हो, ठीक है। टेंडरनेस एट द हेड ऑफ फिब्यूला, ठीक है जी, जो हेड ऑफ फिब्यूला है वहाँ पे पेशेंट आपको स्पेसिफिकली कह रहा है कि मुझे लेटर साइड पे टेंडरनेस आ रही है, तब आप उसको एक्सरे ज़रूर करें। आइसोलेटेड टेंडरनेस ऑफ पटेला, ठीक है जी, पटेला के ऊपर वो कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन है, टच टू टेंडर है, तब आप उसको रिकमेंड करें। पेशेंट बेंड नहीं कर पा रहा, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो भी आप उसको जो है वो एक्सरे रिकमेंड कर सकते हैं। इनएबिलिटी टू वेयर बियर वेट, ठीक है जी, पेशेंट की वेट बेयरिंग जो है अफेक्टेड हो जाती है जब, तब भी हमें पता चलता है कि अंदर कोई फ्रैक्चर है या कोई भी बोन की एनोमली जो है वो हो गई है जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपरली वेट जो है वो अपना नहीं डाल पा रहा, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने सबने अनाटमी जो है वो पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आपको ये एक्सरेज में जो कि नॉर्मल एनाटॉमी है वो ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको नॉर्मल एनाटॉमी पता होगी तो ऑटोमेटिकली आपको एबनॉर्मेलिटीज जो है उनका भी बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास टिबिया है, ये फिब्यूला है, ये हेड ऑफ फिब्यूला है, ठीक है जी, ये हमारे पास मीडियल एपिकेंड्राइल है, लैटरल एपिकेंड्राइल है, ये हमारे पास पटेला लोकेटेड है। इसी तरह से अगर लैटरल व्यू लें तो उसमें हमारे पास टिबियल कंडाइल, टिबियल ट्यूबरोसिटी भी हमें जो है वो फोकस हो रही होती है, ठीक है, एडक्टर ट्यूबरकल जो है वो पता चल रही है। तो ये सारे आपसे स्पॉटिंग में भी पूछा जा सकता है कि ये इसको, मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकती हूँ, ये पूरा एक्सरे क्लियर होगा, मैं पूछूंगी ये कौन सा पार्ट है, तो आपने बताना है एडक्टर ट्यूबरकल है, ठीक है। इसी तरह से मैं पूछ सकती हूँ कि ये क्या पार्ट है, तो आप पूछेंगे लेटरल कंडाइल है। क्यों ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा देखिए आप वैसे तो हम एक्टिव में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पेशेंट आके अपना हाथ रख के बताता है कि जी मुझे यहाँ दर्द हो रही है, तब आपको पता नहीं चलता कि ये कौन सा हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने एक्सरेज पढ़े होंगे, उसकी इस तरह से स्पॉटिंग की होगी, आपने आउटलाइंस की होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट अगर इस साइड पे बता रहा है तो ये उसका हेड ऑफ फिब्यूला हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ हाथ रखा है तो ये इसका पटेला हो सकता है। तो ये आपको इस वजह से सारी जो लेबलिंग है बेसिकली एक्सरेज की वो ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। गूगल पे आप इमेजेस एक्सरे नॉर्मल एक्सरे के इमेजेस लें, मैंने आपको पहले भी बताया था, और उसको जो है वो कॉपी निकलवाएं और उसके ऊपर जो है वो लेबलिंग करते रहें, ठीक है। ये आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी हो जाएगी और इस तरह आपको जो है वो एक्सरे जो है वो देखना भी आ जाएंगे, ठीक है। गूगल के ऊपर आप सिंपल लिखें नी एक्सरे, नॉर्मल नी एक्सरे, उसका इमेज निकालें, उसको स्कैन करें और उसकी कॉपी निकलवाएं और उसके ऊपर आप क्या करें, लेबलिंग जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। इस तरह के कुछ क्विजेज भी होते हैं, अगर आप लोग देखें ना, क्विज भी होते हैं आपके पास पड़े हुए नेट पे, तो वो भी करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है बच्चे। ये भी हमारे पास दो व्यूज हैं, एपी एंड लैटरल व्यू है, ठीक है जी, नी कई। देन आ जाता है हमारे पास एंकल। अब एंकल रेडियोग्राफ या एक्सरेज हमें क्यों रिकमेंड करनी है, एंकल ट्रॉमा हो गया, ठीक है। बोनी टेंडरनेस एज अ पोस्टीरियर एज और द टिप ऑफ द लैटरल मेड्यूलस, बोनी टेंडरनेस एज अ पोस्टीरियर एज और द टिप ऑफ द मीडियल मेड्यूलस, ठीक है जी। एंकल में आपको मीडियल या लैटरल मेड्यूलस पे या आपको किसी भी बोनी प्रोजेक्शन के ऊपर पेशेंट जो है वो पेन अगर बता रहा है तो आप उसको एक्सरे रिकमेंड करें। वेट बेयर नहीं हो रहा पेशेंट का, या अगर कोई नॉन ट्रॉमेटिक कंडीशन भी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रॉमा हुआ पेशेंट गिर है तभी आप उसको जो है वो एक्सरे रिकमेंड करेंगे। कभी कभी ये होता है कि बोन्स जो है वो पोरस होती हैं, वीक हुई होती हैं, तो सिंपल कोई एक स्पेसिफिक जो है वो वेट बेयरिंग के साथ भी क्या होता है कि पेशेंट का
स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये सारी कंडीशन जो है वो ज़रूर देख लेनी होती है। ठीक है बच्चों, अब ये आपके पास एंकल जो है उसका एक्सरे आ गया है, ये टेलस है, ये कैल्केनियम है, ये नेविक्युलर बोन है, मीडियल मेल्युलस, लेटरल मेल्युलस ऑफ द टिबिया, ये यहाँ पे हमारे पास क्यूबॉइड बोन है, ये क्यूनिफॉर्म्स हैं तीनों। ठीक है, इसी तरह से फिर मेटाटार्सल, टार्सल, ये सारे आपको जो है वो लेबलिंग जो है वो बेसिकली ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है जी, देन आ जाता है बच्चों हमारे पास हिप जॉइंट। हिप जॉइंट मैंने आपको बताया था कि यूजली हम इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू जो है वो हिप जॉइंट को विजुलाइज करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि आपने दोनों हिप का व्यू जो है वो लेने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास ओवरऑल हिप के हिप भी है और इसमें पेल्विस भी है जी। ठीक है, ये हमारे पास सैक्रम बोन है, ये इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन हो गई, ये इंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन हो गई, ये जो है वो हमारे पास रेमाई ऑफ प्यूबस हो गया, ये ऑब्टुलेटर फॉरमेन है, ये ईस्टियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, तो ये सारे जो ग्रेटर टू कंटर है सब कुछ आपको जो है वो इसकी स्पेसिफिकली जो है वो लेबलिंग जरूर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग सारा एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि बोन्स की जो है वो क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो इसलिए अब आप जो है वो इसको रिवाइज करें और फिर इसकी लेबलिंग जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर हमारा 4 और 5 दोनों जो है वो हमने बेसिकली इसको कंबाइन कर लिया है। ठीक है, अब आपने रिकॉर्डिंग में जो है वो उसको देख लेना है और जिसमें एक्सरे किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, किसने इसको डिस्कवर किया, एक्सरे मशीन के क्या कंपोनेंट्स हैं, एक्सरे को रीड करने के लिए क्या पॉइंट्स हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सरे। ठीक है, एक्सरे फाइंडिंग्स जो हैं उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखने हैं और फ्रैक्चर कौन से होते हैं, उनको किस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर स्पेसिफिकली जो मैंने आपको लोअर लिम्ब के एक्सरेज दिखाए हैं और उनकी इंडिकेशन दिखाई हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और फिर हमने व्यूज़ पढ़े थे और व्यूज़ मैंने आपको बताया कि आपको स्पेशल व्यूज़ से रिलेटेड भी सैरियो या आपसे क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, सो आई होप कि ये आपको जो है वो अब क्लियर हो गया है। अच्छा जी, अब मुझे बच्चे कौन बताएंगी, अब्दुल हनान अरशद बेटा अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश। अब्दुल हनान अरशद बेटा आप कभी भी क्लास लीव नहीं करें। ठीक है, मैंने आपको असाइनमेंट जो है वो देनी है, आप लोग क्लास लीव नहीं करें। आकाशा नवीद बेटा ये किस टाइप का फ्रैक्चर है जल्दी से बताएं, शाबाश। अच्छा, हैंड रेस किया था महानूर ने, बेटा आप बता दें, सारी क्लास हो रही है, सबकी एब्सेंट लगेगी आज की। मैम ये सेजिटल सेगमेंटल लग रहा है। सेजिटल सेगमेंटल मैम ओब्लीक है। ठीक है कहा है उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा है बेटा, ये हमारा स्पाइरल है। मैंने आपको बताया था स्पाइरल में क्या होगा कि आपको एक ऑब्लिक सा एंगल भी नजर आ रहा होगा और साथ बोन ट्विस्ट हुई होगी, आपको नजर आ रहा है, लेकिन बोन ट्विस्ट होगी ना, जहाँ ट्विस्टिंग है ना वो स्पाइरल फ्रैक्चर है। ठीक है बच्चों, गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब हैंड रेज करके बताए कौन बताना चाहेगा इसमें क्या आपको एक्सरे फाइंडिंग नजर आ रही है। इसको इसको इग्नोर कर दें, इस वाली इमेज को देखें। हाँ जी महनूर बच्चे आप बताएं। मैम ओवरलैप लग रहा है, ओवरलैप। मैम थंब वाली जगह पे ओवरलैपिंग हुई है शायद। वेरी गुड, यस मैम, ऐसा ही है बच्चे, बिल्कुल ठीक है, ओवरलैपिंग है, बल्कि ओवरलैपिंग ही इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके मैम, ओवरलैपिंग नहीं है बच्चे ये। ठीक है, देखिए ओवरलैपिंग क्या होगा, ये इससे यहाँ आ जाना था, ठीक है ना, नीचे आ जाना, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। अच्छा जी बच्चे, उसके बाद लास्ट हमारे पास कुछ है, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ हैंड्स एंड फीट व्हिच व्यू इज मोस्टली प्रेफरेबल, ये बॉयज में से कोई मुझे बताएगा। अली अली आप बताएं, अली सईद। यस मैम, बेटा आप बताएं इसका आंसर जल्दी से, शाबाश। हैंड और फीट के लिए हम मैम इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू करते हैं मैम। नो, कोई और बच्चा बताएगी, कौन बताएंगे बॉयज में से? मोहम्मद उमेर आसिफ बच्चे आप बताएं। बेटा इसका आंसर जो है वो क्या है, बोथ ए एंड सी। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। ठीक है, डेल्टा ही इसका आंसर है। मैंने आप लोगों को बताया था, पीछे स्लाइड में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि हैंड और फीट के लिए हम एपी व्यू भी लेते हैं और साथ साथ उसके कंट्रास्ट के लिए हम ओब्लिक व्यू भी लेते हैं। ठीक है, तो दोनों व्यू बेसिकली हम करा रहे होते हैं इसके लिए। ठीक है जी बच्चे, आप में से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम हमारी स्पोर्टिंग व्यू,
बच्चे मैं आपको ना ये दिखा देती हूँ, एक मैं यहाँ पर असेसमेंट प्लान बनाया हुआ है, ठीक है जी। स्क्रीन आपको नजर आ रही है सब बच्चों को? ठीक है बच्चे, यस ये मैम। देखिए प्रैक्टिकल स्पॉटिंग की है, ठीक है। स्पॉटिंग में आपने क्या करना है, इमेजेस की जो है वो रीडिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाए हैं एक्सरे, ठीक है, क्योंकि 5% होगी, ठीक है। मिड टर्म एग्जामिनेशन को भी आप स्किप करें, ठीक है। इतना से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिनेरियो बेस्ड क्लास टेस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, व्यू से रिलेटेड हो सकता है, डिफरेंट मैं आपसे सिनेरियोज बना के क्वेश्चन कर सकती हूँ, ठीक है। वो आपका होगा 10% का, जो कि आपका इंशाल्लाह ईद के बाद 18 से 22 मई के दिन में आने मैंने रखा हुआ है ना, तो ये आपने ईद वाला जो अब आप वीक आ रहा है, इसमें आपने जितना भी हमने सिलेबस पढ़ा है अब तक, ठीक है, उसमें से सिनेरियो बेस्ड बना बना के आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो एक वो होगा आपका, एंड उसके अलावा आपकी एक असाइनमेंट होगी 5% की, जिसमें मैं आपको या तो लेबलिंग दूंगी या फिर हो सकता है मैं इसमें कोई और मॉडिफिकेशन कर दूँ, ठीक है बच्चे। तो ये बेसिकली आपका असेसमेंट प्लान है, और ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास ईद की हॉलीडेज आ रही हैं, तो आपने क्या फोकस करना है, जो हमारा 18 से 22 मई वाला वीक है, उसमें मैं आपसे सिनेरियो बेस्ड क्लास टेस्ट लूंगी, दैट इज बेसिकली हैविंग 10% वेटेज, ठीक है। तो इसलिए ओके बच्चे आप लोगों ने इस तरह से पढ़ना जो है वो शुरू कर देना है। आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं बेटा, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के आते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, पढ़ के आए नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछें, लेकिन बेटा अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू आर वेलकम टू आस्क। नो मैम। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं सारी LMS से पढ़ी हुई हैं। कुछ स्टूडेंट मुझे मेल कर रहे होते हैं कि मैम हमें आपकी मेल नहीं आ रही होती, ठीक है। तो बेटा मैंने अभी आप लोगों को कोई मेल की ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारे पास। सारे लेक्चर्स मैंने आपको ड्राइव के साथ रिकॉर्डिंग शेयर हो रही है, LMS के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, और आपके लिंक्स भी जूम के जो है वो जूम लिंक्स भी आपके LMS के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से अभी मैंने आप लोगों को ऐसा कोई मेल की नहीं है, आप सिर्फ ये देख लें कि आपका पोर्टल और LMS का कोई इशू ना हो, ठीक है, क्योंकि LMS के ऊपर ही सब कुछ अपलोड हो रहा है और वहीं से सब कुछ आपको लिंक्स भी मिलेंगे, इसलिए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप जो है वो सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है बच्चों। अब आपने ईद के हॉलीडेज में सिनेरियो जितना हमने कोर्स पढ़ लिया है, 5 लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो फर्स्ट 2 थे हमारे इंट्रोडक्शन के थे, फिर हमने रोल पढ़ा था रिहेबिलिटेशन का रेडियोलॉजी में, देन जो है वो फिर हमने ये एक्सरेज वाला पढ़ा है प्रॉपर, ठीक है। अब एक्सरेज में हमारा सिर्फ चेस्ट एक्सरे रह गया है, वो इंशाल्लाह हम ईद के बाद वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे 5 लेक्चर हुए हैं, इसको आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस खुद से भी डिस्कवर करके बना के है, जो कि मिस हुई है फर्स्ट मई की छुट्टी से, ठीक है। वो मेकअप क्लास हो सकता है कि मैं मंडे को वो आपकी क्लास रख लूँ, ठीक है, यानी कि जो 17 मई को जो ईद की हॉलीडे के बाद फर्स्ट मंडे होगा उसको मैं रखूँ। आप लोग बस मुझे ये बता दें कि कौन सा स्लॉट आपके पास अवेलेबल होगा मंडे को, अगर मैं मेकअप क्लास रखूँ तो। मैम अभी तो टाइमिंग्स का भी नहीं पता, वो रमजान की वजह से चेंज होंगी दोबारा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा हमारा रमजान, तो टाइमिंग का भी नहीं पता हमें कि वो पुरानी चलिए वाली बेटा, है मैं या ना ऐसी नहीं। कोशिश करूंगी, या तो मैं फर्स्ट स्लॉट में रख दूंगी या बिल्कुल एंड वाले स्लॉट में, यूजली क्लासेस कम होती यस हैं, मैम, ठीक है। लास्ट स्लॉट में हम लोग फ्री होते हैं, जो 5 बजे क्लास होती है उसमें हमारी हाँ कोई जी, क्लास तो नहीं मैं होने ऐसा लगा। करूंगी कि ना मंडे को हम 7 स्लॉट में ही रख लेंगे, क्योंकि 1 मई को जो हमारा मिस हुआ है लेक्चर, वो फिर हम जो है वो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ओके मैम, दिस इज ऑल अबाउट 2 डेज लेक्चर, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग फिर मुझसे मेल पे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ईद मुबारक इन एडवांस, और सॉरी थैंक यू मैम। मैम आपको भी असाइनमेंट बता दीजिए आपने। बेटा, मैंने अभी बताई थी आपको, मैंने ये स्क्रीन शेयर की थी, जो मैंने बताया था कि ये आपका असेसमेंट प्लान है, ठीक है, जिसमें स्पॉटिंग होगी, मिड टर्म एग्जामिनेशन 20% है, आपका सिनेरियो बेस्ड क्लास टेस्ट है, और असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट तो अभी आपका मैंने जो डेट डिसाइड की हुई है वो जून है, जो मेन आपका ईद के बाद जो बेसिकली क्लास टेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, मैंने आपको लिखा हुआ है क्रिटिकल क्वेश्चंस या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि अभी तक हमने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं उसके अंदर से, ठीक है। तो ये आपने इसकी तैयारी करनी है फर्स्ट 5 लेक्चर्स के अंदर, जो सिनेरियो बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कितने सारे सिनेरियोज बना के बताए ना क्लास में, इसी तरह का कोई भी सिनेरियो मैं आपको बना के जो है वो
बता सकती हूँ और आपने उसमें से क्वेश्चन करना होगा, ठीक है? इंशाल्लाह एक जो हमारा जिस दिन भी टेस्ट होगा उससे एक क्लास पहले में मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता दूंगी कि कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का होगा एंड वो जो बाकी फर्दर चीज़ें होंगी, ठीक है? लेकिन जो फर्स्ट 5 लेक्चर है उसमें से आप इस तरह से इसको पढ़ना ज़रूर शुरू करते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग रखें, सामने लेक्चर रखें और पढ़ें। एक्सक्यूज मी मैम, वो स्लाइड दोबारा अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि ये जो ओके बच्चों, आपने टेक केयर। सॉरी, असेसमेंट मैम कह रहे हैं। मैम मैं कह रहा हूँ स्लाइड्स जो है ना ये दोबारा अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि जो पिछली स्लाइड्स है ना उसमें स्लाइड्स कम है। मैम ठीक है जी जी बेटा, मैं कर दूंगी, बिल्कुल कर दूंगी, ठीक है? जी आप सर, लोग अब देख नमस्ते। रहे हैं कि ये हमारे पास टाइम जो था ना वो कम था, इसलिए ये दो तीन लेक्चर जो है ना वो आपस में वो हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, कंसाइड कर गए हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने हर लेक्चर खोल के देख लेना है कि किसमें क्या डिफरेंस जो है वो आ रहा है, ठीक है? ये मैं इंशाल्लाह जरूर अपलोड कर दूंगी। ओके बच्चों, टेक केयर एंड ओके अल्लाह मैम, हाफिज़। ईद मुबारक की अल्लाह एडवांस हाफिज़ मैम, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।